हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर आने वाला है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। आपके सिलेबस के अंदर ये दिया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू फिशेज जो है वो दिया गया है, और क्वाड्रेट्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और विद रेफरेंस टू दिया गया है फिशेज के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने इसमें 100 MCQs भी लाए हैं, जो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपके जो आंसर होंगे, क्या आंसर सही है क्या गलत है, यहां पे पूरा क्लियर आज इस लेक्चर में क्लियर होने वाला है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एमएससी और बीएससी के अंदर भी ये सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर जो है रेस्पिरेशन के ऊपर। देखिए जी, बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। वो ब्रीदिंग और फिर रिस्पायरेशन जो है दोनों को एक चीज़ मानते हैं। देखिएगा, जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग डिफरेंट होती है रिस्पायरेशन से। जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन में एनर्जी मीन्स न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन होता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं होती है बल्कि प्लांट्स के अंदर भी होती है। और रिस्पायरेशन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है ये एक पार्ट है मेटाबॉलिज्म। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। तोड़ने का काम भी स्टार्ट होता है, जोड़ने का काम भी स्टार्ट होता है। तो रिस्पायरेशन जो है आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि हम न्यूट्रिएंट की ब्रेक डाउन होती है रिस्पायरेशन के अंदर। और ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग में सांस लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल करना नॉर्मली जो हम करते हैं उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। देखिएगा, रिस्पायरेशन जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट रेस्पिरेटरी सरफेस, एक चीज। दूसरा क्या है? इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। अब क्या है, जो ब्रीदिंग है वो भी रिस्पायरेशन के अंदर ही इंक्लूड होती है, क्योंकि सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो भी रिस्पायरेशन के अंदर आती है। अब रिस्पायरेशन के अंदर जो चीज़ एडिशनल है वो क्या है? वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल है इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, जो कि सेल्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। रिस्पायरेशन इज फाउंड इन ऑल एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स डू नॉट ब्रीद। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, रिस्पायरेशन हर एनिमल्स के अंदर होता है बट ब्रीद हर कोई एनिमल नहीं करता है। ये पॉइंट को नोट करने का, ओके? अब फंक्शन क्या है? रिस्पायरेशन तो कर लेते हैं, रिस्पायरेशन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सप्लाईज द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को, हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिस्पोज करते हैं। उसके बाद क्या है? फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर। उसके बाद क्या है? प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड को भी प्रोड्यूस किसकी वजह से, किसकी हेल्प से किया जाता है? रिस्पायरेशन की ही हेल्प से। कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, और स्मेल के जो रिसेप्टर्स हैं इनको भी कंटेन करता है। रीड्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट, ओके? और हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड पीएच। ये हैं इसके फंक्शन। अब हमें देखना है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। जो ब्रीदिंग होता है इट इज़ सिंपली इन इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। अब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन जो रिस्पायरेशन है ये एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ओके? सेकेंड पॉइंट क्या है ब्रीदिंग का? इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस। और रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, नो एनर्जी इज रिलीज्ड रेदर यूज्ड। और रिस्पायरेशन के अंदर जो होती है एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इट ओकर्स आउटसाइड द सेल। ब्रीदिंग जो है ओकर होती है आउटसाइड द सेल्स, हेंस इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। अब बात करें रिस्पायरेशन की, इट ओकर्स इनसाइड द सेल्स, हेंस इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ओके? नेक्स्ट, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस। ब्रीदिंग के अंदर कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, ए लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब हम कुछ एनिमल्स ग्रुप्स देखते हैं और उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखते हैं या ऑर्गन्स देखते हैं, कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है, ओके? सिलेबस के अंदर दिया गया है कि आपको क्वाड्रेट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो पढ़ना है।
तो साथ साथ में आपको फिशेस के ऊपर भी पढ़ना है। तो इसलिए हमें अगर कॉर्डेट्स की बात हो रही है तो उनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है कुछ नॉन कॉर्डेट्स भी हैं, तो वो भी थोड़े बहुत आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले अगर एनिमल ग्रुप की बात करें, हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मा लीमा, और होते हैं पेलिकल्स। आप देखो प्लाज्मा लीमा जो होता है, ये इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये आउटर कवरिंग होती है हर सेल की। ये थिन होता है, डेलिकेट होता है, और सिलेक्टिवली परमियेबल मेम्ब्रेन होती है, और ये मेड होता है, मेड अप होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। स्ट्रक्चर जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जाएगा, किसका, प्लाज्मा लीमा का। और हम बात करें पेलिकल्स की, ये थिन, हार्ड और इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, जो कि जिलेटिनियस इन नेचर होता है, प्रोटेक्टिव कवर होता है, कोटिंग ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ फिश, पोल्ट्री मीट एक्स्ट्रा। उसके बाद हम बात करें स्पंजेस की, स्पंजेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। ओके, नाइडेरियंस की अगर हम बात करें, नाइडेरियंस जो है ये बॉडी वॉल जो होता है इसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। टीनोफोर्स के अंदर हम देखिए उसके अंदर भी बॉडी वॉल, और जो प्लैटीहेलमिंथस हैं, प्लैटीहेलमिंथस की अगर हम बात करें जैसे फ्री लिविंग है जिसमें प्लेनेरी आता है, उसकी जो बॉडी सरफेस होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पैरासाइट्स जिस तरह इन्फ्लुएंस हैं, टेवर्म्स हैं, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना। तो पैरासाइट्स के अंदर एनारोबिक होती है, और फ्री लिविंग्स के अंदर क्या होती है, बॉडी सरफेस से होती है। तो उसके बाद है नेमाटीहेलमिंथस। जो अब जो नेमाटीहेलमिंथस है, नेमाटीहेलमिंथस के अंदर जो फ्री लिविंग्स हैं जिसमें रेबिडिटस आते हैं, ये बॉडी सरफेस होता है इनका, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी जो अंग जो होता है ये होता है बॉडी सरफेस। उसके बाद हम बात करें पैरासाइट्स जो है, एस्कैरस जो होते हैं, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनालिट्स की अगर हम बात करें, एनालिट्स के अंदर आता है नेरिस आता है, अर्थवॉर्म आता है, लीच, एरिनोकोला आता है, एम्फ्रिटाइड, टेरिबिला, तो ये जो बॉडी वॉल्स से भी करते हैं, और जो जो नेरिस है ना, ठीक है ना, तो बाकी जो हैं गिल ब्रांचेस, इनमें से जो हैं कुछ गिल से भी करते हैं। अब जो बॉडी वॉल से करेगा उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो गिल से करेंगे हम उनको क्या कहते हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड जो है ये एनिमल ग्रुप है, आप जानते हैं। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें, इसमें जो क्रेफिश जिस तरह से है, प्रान है, ये गिल से करते हैं, इनके अंदर ब्रांचिंग और रेस्पिरेशन होती है। और जो इंसेक्ट्स हैं जिसमें आते हैं सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, टिक्स हैं, पेरीपेटस आता है, तो ये ट्रैकिल होते हैं, इनके हम बोलते हैं ट्रैकिल रेस्पिरेशन। उसके बाद जो है स्कॉर्पिन है, जो स्पाइडर है, ये इनके होता है बुक लंग होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें माइट्स की, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। और अगर हम बात करें लिमलस किंग क्रैब की, इसके अंदर भी बुक लंग होता है। ओके, मोलस्का की बात अगर हम करें, मोलस्का में जो यूनियो है या पीलिया है, इनके अंदर टू टीनिडिया होते हैं, गिल्स होते हैं इन यूनियो, याद रखना यूनियो के अंदर क्या होते हैं, टू टीनिडी और गिल्स होते हैं। और अगर हम बात करें पीलिया के अंदर वन टीनिडियम गिल होता है, ठीक है ना, एंड वन पल्मोनरी सैक लंग इन पीलिया। और जो होता है पल्मोनरी सैक लंग किसके अंदर होता है, पीलिया के अंदर होता है। एकेनोडर्म्स की अगर हम बात करें, जिसमें स्टार फिश आता है, इनकी डर्मल ब्रांचियाँ होते हैं और ट्यूब फीड्स होते हैं, ठीक है ना, तो जिस जहाँ से ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। हेमिकोडेटा की अगर हम बात करें, बेलेनोग्लॉसस जो है ये फरिंजियल वाल होती है, और उसके बाद है यूरोकॉर्डेटा जिसमें हडमनी आता है, इनके अंदर भी फरिंजियल वाल होता है। सिफेलोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें, जिसमें ब्रैंकियोस्टोमेटा आता है, ब्रैंकियोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, इसमें भी फरिंजियल वाल आता है। वर्टिब्रेटा जिस तरह सेगोस्टोम्स है, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर सिकंस, बोकोफरेंस, कैप्टिन, लंग्स या गिल्स, ये तमाम के तमाम जो हैं इसके अंदर करते हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं ये सिकंस भी करते हैं, बोकोफरेंस की फरिंजियल कैविटी भी होती है, लंग्स भी होते हैं, और गिल्स भी होते हैं, जो हम बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन से करते हैं कुछ, ठीक है ना। तो रिप्टाइल्स की अगर हम बात करें, बोट्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, मैमल्स, रिप्टाइल्स और बोट्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर लंग्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंस है वो क्या है, एनारोबिक जो है इसको रिक्वायर ऑक्सीजन की नहीं होती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है, ठीक है ना। और एनारोबिक के अंदर इट मे और मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एरोबिक रेस्पिरेशन इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड।
इट प्रोवाइड्स लेस एनर्जी, इट प्रोवाइड्स मच मोर एनर्जी. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म्स, इट ऑकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्मिक जो हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो हम क्रिप्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं. और अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आता है बैक्टीरिया आता है यीस्ट आता है मसल्स एंड पैरासाइटिक वॉर्म्स आते हैं लाइक एस्कैरिस फैसोला टीनिटिनिया. और अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं. अब हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन फिश. फिश के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती हैं. देखिए अगर हम फिश की बात करें फिश का जो गैस एक्सचेंज होती है उसमें इन तीन चीज़ों का मेन आपको याद रखना है. एक याद रखना है मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म, दूसरा याद रखना है रैम वेंटिलेशन और तीसरा याद रखना है गिल्स. ठीक है, गिल्स रैम वेंटिलेशन और मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म ये तीन आपको पढ़ने हैं आपका जो गैसेज एक्सचेंज इन फिशेज है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म. क्या पढ़ेंगे हम, मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म क्या होता है. देखिए जो मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसमें मसल्स की जो ज़रूरत होती है गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है ना, वाटर को मूव और गैस एक्सचेंज करने के लिए जो जो होता है मसल्स जो है उनका होना इम्पॉर्टेंट होता है. अब जो जिस तरह से फेरिंग्स और ऑपरक्यूलम है उसकी जगह जो है देखो यहाँ देखते हैं वाटर है, वाटर गया माउथ के अंदर, माउथ के बाद गया फेरिंग्स के, फेरिंग्स के बाद गया गिल्स के, अब गिल्स के अंदर पूरी प्रोसेस होके उसके बाद आउट ऑफ फिश थ्रो गिल ओपनिंग. तो मसल्स सराउंड्स, अब जो मसल्स हैं वो सराउंड्स किसको करते हैं, फारिंग्स फेरिंग्स एंड ऑपरक्यूलम. ठीक है ना, क्योंकि जो फारिंग्स और ऑपरक्यूलम क्या होता है उसकी जो इर्द गिर्द क्या होते हैं मसल्स होते हैं जिसके रिजल्ट से क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ, फ्रॉम वाटर. ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसको हम कहते हैं मस्कुलर पंपिंग. और इसके एग्जांपल क्या है, जो इलास्मोब्रांच फिशेस हैं या ओपन ओशन बोनी फिशेस हैं सच एज टूना, इनके अंदर क्या होता है मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म होता है. उसके बाद है रैम वेंटिलेशन. क्या है रैम वेंटिलेशन, क्या होता है, माउथ को ओपन करके स्विम करना और मेंटेन करती हैं ये अपने वाटर फ्लो को. ठीक है ना, और जो ऑपरक्यूलम नहीं होता है इसमें उसके बदले गिल्स बार्स होते हैं जिससे वाटर पंप किया जाता है, इसको हम कहते हैं रैम वेंटिलेशन. ठीक है, रैम वेंटिलेशन क्या होता है, सम फिशेस मेंटेन वाटर टू फ्लो बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन वाइल स्विमिंग. जब वो स्विमिंग करती हैं तो अपना जो मुँह है जो माउथ है उसको ओपन रखती हैं. दिस मैथड इज कॉल्ड रैम वेंटिलेशन. They do not have the opercular to help pump water. क्योंकि इसके अंदर opercular तो नहीं होता है. They have gill bars. इनके अंदर क्या होते हैं, gills bar होते हैं. External bars contains external flaps. They close and form cavity. Okay? Functionally similar to operculum. अब जो इसका जो function होता है gills bars का वो similar होता है operculum के जैसे. ठीक है, उसके बाद होते हैं spiracles. क्या होते हैं spiracles. Spiracles क्या होते हैं, जो स्पायरकल्स होते हैं ये फरेंजियल स्लिट्स होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन होती है ये. ठीक है ना, ये बिहाइंड द आई होते हैं. देखो मॉडिफाइड फरेंजियल स्लिट्स ओपन बिहाइंड द आईज यूज फॉर अल्टरनेट रूट फॉर वाटर एंटरिंग इन फेरिंग्स. ओके, ये है आपका स्पायरकल्स. उसके बाद है गिल्स. आप जानते हैं जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं अक्रॉस गिल्स सरफेस इज़ वेरी इफ़िशेंट. पहली बात तो ये है गिल्स के बारे में आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं अक्रॉस द गिल सरफेस इज़ वेरी इफ़िशेंट. दूसरा क्या है, गिल आर्चेस जो हैं ये सपोर्ट करते हैं गिल्स को. गिल फिलामेंट्स जो हैं ये एक्सटेंड फ्राम ईच गिल आर्च एंड इंक्लूड द वेस्क्यूलर फोल्ड्स ऑफ एपिथीलियम इज कॉल्ड फेरिंजियल लैमिला. और जो ब्रांचियल आर्टरीज होती हैं ये कैरी करती हैं ब्लड टुवर्ड्स गिल्स. ये है. तो अब बात करते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर. काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वाटर एक साइड जाता है और ब्लड जो है वो एक साइड जाता है, अपोजिट डायरेक्शन की जो मूवमेंट्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. होता क्या है, अगर वाटर इस साइड जा रहा होगा तो जो ब्लड है वो इस साइड जाएगा, तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब देखते हैं समझते हैं होता क्या है. गैसेज एक्सचेंज एज ब्लड एंड वाटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन.
होगी एक चीज़। दूसरी क्या है, द मैकेनिज्म प्रोवाइड वेरी इफिशेंट गैस एक्सचेंज बाई मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ब्लड एंड वाटर आवर एंटायर लेंथ ऑफ कैपिलरी बेड। ओके, तीसरी चीज जो है वो है, फिश लाइव इन एन एनवायरमेंट दैट कंटेन्स लेस देन 2.5% ऑक्सीजन प्रेजेंस इन एयर। ओके, ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेज। फिशेज के अंदर जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर बनते हैं, क्योंकि और हम बात करें रेस्पिरेशन की, सभी कहेंगे तो गिल्स से होता है, कोई कहेगा मैक्सिमम जो है मैक्सिमम, अगर बच्चों से आप पूछोगे तो आप यही को, वो बच्चे यही कहेंगे जो फिश हैं उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वो रिस्पायर करते हैं। बट अगर आप आज का लेक्चर आप देखोगे रेस्पिरेटरी जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी फिशेज, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उनको हम कहते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऑल दिस सच एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अदर देन गिल्स आर नोन एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आप समझ गए कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जो एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनेबल द फिश टू लाइव इन ऑक्सीजन डिफिशेंट वाटर, टू एस्टिवेट आवर प्रोलॉन्ग इन ड्राउट्स इन ड्राई समर, टू टेक एक्सकर्शंस ऑन लैंड और सिंपली टू मीट एक्स्ट्रा डिमांड फॉर ऑक्सीजन। आप देखो जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो इनेबल करते हैं फिश को ऐसी जगह रहने में जहाँ वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम हो, वहाँ भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है वहाँ पे जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर इनके काम आते हैं। ओके, द कॉमनेस्ट एयर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से, अब हम देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं जो फिशेज यूज़ करती हैं। पहला है सिकन, सिकन से भी वो ब्रीथ करती हैं। उसके बाद है ब्रांचियल एपिथेलियम या इसको हम कहते हैं ब्रांचियल डाइवर्टिकुलम। उसके बाद कुछ फिशेज हैं जो फारेंजियल एपिथेलियम और फारेंजियल डाइवर्टिकुलम इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद कुछ है एयर फिल्ड ब्रांकियल चेंबर होता है उनके अंदर जिससे वो ब्रीथ करती हैं। कुछ होती हैं जिन गैस ब्लैडर्स और लंग्स होता है, और कुछ होते हैं जो स्टोमिक्स और इंटेस्टाइन से भी ब्रीथ करती हैं। एयर ब्लैडर और गिल्स को छोड़कर और भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ठीक है ना। और देखो अब हम इसको अलग अलग से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में कि आप बताइए जो फैमिली लोरी कैरिडिया फैमिली है फिश की, ठीक है, जिसके अंदर एंसेस्टर स्पीशीज़ आती है और प्लीकोस्टोमस स्पीशीज़ आती है, इसके अंदर रिस्पायरेटरी जो है एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है, वो है स्टोमिक। याद रखना ये जो फिश है इसका एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है, स्टोमिक है। और फिश जो है ये फैमिली लोरी कैरिडिया से बिलोंग करती है, और जो स्पीशीज़ है वो है एंसेस्टर स्पीशीज़ और एप्लीकोस्टोमस स्पीशीज़। ये आपको बिल्कुल रट के याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद है इंटेस्टाइन। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें, फैमिली जो कोपिटीडिया है, फैमिली कोबिटीडिया जो है ये जो फैमिली होती है इसके अंदर आती है लिपिडोस पेलिकेथस और आता है मिस गुरनस फोसलस। ये दो जो स्पीशीज हैं इनका जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद हम बात करें चैनिडिया जो फैमिली है या एम्फीनोडिया फैमिली है या इलेक्ट्रोफोरिडिया फैमिली है, इन फैमिली का जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है बकोफेरेंक्स। क्या होता है, बकोफेरेंक्स होता है। और इसके अंदर क्या क्या स्पीशीज आती हैं, चनस स्पीशीज, मोनोपिटस स्पीशीज, इलेक्ट्रोफोरस जो है इलेक्ट्रोस, ये जो स्पीशीज हैं ये इनके अंदर जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बकोफेरेंक्स होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करने होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े 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 बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल याद करना। अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप वो बोलते हैं रट मार करो, आप कुछ ना कुछ करो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है डाइवर्टिकुलम ब्रांचियल कैविटी।
अब जो डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंचियल कैविटी है, ये कुछ फैमिलीज़ हैं। देखिए ये जो तीन फैमिलीज़ हैं, हटेरोनेस्टिडिया, कैलेरिडिया और एनाबेंटिडिया, ये ऐसी फैमिलीज़ हैं जो डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंचियल कैविटी से, इनका जो एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसके हम बात करें, हटेरोनेस्टिडिया के अंदर आता है हटेरोनेस्टिस फॉसिलस, उसके बाद क्लेरिडिया के अंदर आता है क्लेरिस बैट्रेगस, उसके बाद एनाबेंटिडिया के अंदर आता है एनावास, कोलिसा, बीटा स्पीशीज, ये इसके अंदर आते हैं। अब जो ये स्पीशीज़ हैं, इनका ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है डाइवर्टिकुलम ऑफ ब्रैंचियल कैविटी। उसके बाद हम बात करें अपर कुलर कैविटी, जो डाइवर्टिकुलम होता है, ये जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये एम्प्लिसिपिडिया और गोबीडिया जो है, ये दो जो फैमिली है, इनके अंदर जो फिशेज हैं, इंपॉर्टेंट फिश जो है वो है एम्बलिसिप स्पीशीज़ और है बोलियोपथेलमस स्पीशीज़। ये तो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ऑपरक्यूलम कैविटी वर्टिकुलम, इनके अंदर ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। उसके बाद हम बात करें एल्बोरेसेंट ऑर्गन, जो क्लेरिडिया के अंदर होता है, क्लेरिस बैट्रेकस के अंदर होता है। उसके बाद है लैम्प्रेंथीन ऑर्गन्स, जो एनाबेंटिडिया एनाबास के अंदर होता है। एनाबास स्पीशीज, क्लेरिस बैट्रेकस स्पीशीज़ आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो अब हम करते हैं स्टार्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे, इस पे एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी रह गई है, वो है सिकन। कुछ फिशेस हैं जो सिकन से करती हैं। अब सिकन में जो आता है, ये फैमिली आती है एंगुलीडिया, एंगुलीडिया फैमिली है, और एम्फीनीडिया, 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 एंगुलीडिया जो फैमिली हैं, ये सिकन जो है इनका एयर ब्रीदिंग ऑर्गन होता है। अब आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा एंगुलर स्पीशीज़ जो है, एंगुलर स्पीशीज़ जो है ये सिकन से ब्रीथ करती हैं। एम्फीनस क्यूचे जो है ये भी सिकन से ब्रीथ करती है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने बहुत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हीं फिशेज़ को लाया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई होप कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डिसोसिएशन करो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। अब जो डिसोसिएशन करो होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर, वो कैसी होती है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, पैराबोला होती है, सिग्मोइड होती है, या स्ट्रेट होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैसी होती है? इसका आंसर आएगा सिग्मोइड। ठीक है, क्या कैसी होती है? सिग्मोइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स गिल क्लिफ्स इन फिशेस। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो गिल क्लिफ्स बनाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फेरिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ गिल पोचेस फाउंड इन स्कॉल्डॉन इज। स्कॉल्डॉन का दूसरा नाम क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। और जो नंबर ऑफ गिल्स पोचेस होते हैं स्कॉल्डॉन्स के अंदर, वो होते नहीं होते हैं 5 pairs। कितने होते हैं? 5 pairs जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप इन रिस्पायरेशन इज। आप बता सकते हैं कि जो पहला स्टेप होता है रिस्पायरेशन का, वो क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स जो है, ये सबसे पहला इसका जो है फर्स्ट स्टेप होता है रिस्पायरेशन का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट इन द लंग्स आर। एल्वुलाई प्रेजेंट्स कितने नंबर्स होते हैं एक लंग्स के अंदर, ये मेन लंग्स की बात हो रही है, ये फिशेज लंग्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आंसर आएगा 300 मिलियंस, 300 मिलियंस एल्वुलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक लंग के अंदर। द गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स इज कॉल्ड। अब जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं लंग्स के अंदर, उन्हें क्या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, क्या उनको इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं, क्या उनको टिश्यू रिस्पायरेशन कहते हैं? नहीं जी नहीं, इनको हम कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन, गैसेज जो एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओपनिंग इन टू द विंड पाइप आर ट्रैकिया इज कॉल्ड। जो ओपनिंग होती है इन टू द विंड पाइप या ट्रैकिया इज कॉल्ड, उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? उस ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटस, GLOTTIS, ये करता है कंडक्ट एयर। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन ए डबल लेड मेम्ब्रेन।
अब जो लंग्स है वो इनक्लोज होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल, PLURAL, उसको हम कहते हैं प्लूरल। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइनड इंटरनली विद ए, अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो लाइनड इंटरनली विद ए, अब वो इंटरनली लाइनड किससे होता है, वो इंटरनली लाइन होता है म्यूकस एपिथीलियम, क्या आएगा म्यूकस एपिथीलियम से वो लाइन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सिलिएटेड एपिथीलियम इन ट्रैकिया ऑफ मैमल्स हेल्प इन, अब जो सिलिएटेड एपिथीलियम होता है ट्रैकिया मैमल्स के अंदर वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है पुशिंग म्यूकस आउट, पुशिंग म्यूकस आउट जो है ये सिलिएटेड म्यूकस जो है ट्रैकिया ऑफ मैमल्स के अंदर वो हेल्प करता है। ट्रू इंटरनल गिल्स आर एब्सेंट इन, इनमें से बताइएगा किसके अंदर जो इंटरनल गिल्स ट्रू जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, देखो इलास्मोब्रांस के अंदर होते हैं, टिलोस्ट के अंदर भी होते हैं, डिपनाई के अंदर भी होते हैं, लेकिन जो टेट्रापोडा है टेट्रापोडा के अंदर ट्रू इंटरनल गिल्स नहीं होते हैं। गिल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर, अब जो गिल्स है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर, किसके लिए वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, वो है एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए, किसके लिए एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए, अगर हमारे लिए होता तो हम लिखते परमानेंट रिस्पायरेशन के लिए, अब अगर गिल्स के बदले अगर लंग्स दिया गया होता तो हम लिखते परमानेंट रिस्पायरेशन। ओके, रिस्पायरेटरी सेंटर इज, अब रिस्पायरेटरी सेंटर क्या है, जी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या है। देखिएगा जो मेडुला ओब्लिगांटा है इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर, किसको मेडुला ओब्लिगांटा जो है इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। नेक्स्ट क्या है, ए लैरिंग इन लैरिंग्स पेरिड कॉटलेज इज, लैरिंग्स के अंदर जो पेरिड कॉटिलेज होता है वो कौन सा होता है, क्या वो थायराइड होता है, क्रिकॉइड होता है या एरिटेनॉइड होता है, तो इसका आंसर आएगा एरिटेनॉइड, क्या आएगा एरिटेनॉइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये पेरिड पैरामिड शेपर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है, ये एसेंशियल होता है टू द प्रोडक्शन ऑफ वोकल साउंड। वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड विद, अभी हमने बात की कि जो वोकल साउंड है वो उसका किसका रोल रहता है, यही आएगा एरिटेनॉइड्स, ठीक है ना, एरिटेनॉइड जो है इसका करेक्ट आंसर है। कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी इज बेंड इन, अब जो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी ये एक बेंड है, ये कहाँ होता है, ये बेंड इन किस जगह होता है, ये होता है एरिटेनॉइड, ठीक है ना, इसका आंसर भी क्या आएगा एरिटेनॉइड। ठीक, अब देखो तीन चार क्वेश्चन इसी के ऊपर आ गए एरिटेनॉइड, तो आप प्लीज़ गूगल कीजिए थोड़ा इसके बारे में, और आप जानकारी लेनी होगी आप गूगल करके ऊपर इमेज में जाइए और इमेज क्लिक करके देखिए कि जो एरिटेनॉइड है वो कहाँ पे है, उसका क्या काम है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन मेन टेक प्लेस इन, अब जो एक्सचेंज होता है गैसेज का मेन के अंदर वो कहाँ होता है, एल्वोलाई के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। ओके, गैसेज इन ब्लड और ट्रांसपोर्टेड इन, अब जो गैसेस होता है गैसेस ब्लड्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्लाइटली एल्कलीन मीडिया होता है, क्या होता है वो स्लाइटली एल्कलीन मीडिया होता है। ओके, जो गैसेस इन ब्लड होती हैं आर ट्रांसपोर्टेड इन स्लाइटली एल्कलीन मीडिया। उसके बाद क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, अब जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो क्या है, वो होता है पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड जो है ये एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। नेक्स्ट क्या है, इन मेन पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द ब्लड टू लंग्स, ठीक, इन मेन पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये कैरी करती हैं ब्लड टू लंग्स, कौन सा करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये कैरी करती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लूरल मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ, अब जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसकी कवरिंग है, वो कवरिंग है लंग्स की, किसकी, लंग की कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है वो क्या है, द मेटल एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन इज, जो मेटल एसोसिएट होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो कौन सा होता है, इसका आंसर क्या आएगा, आयरन, एफ ई, ठीक है ना, जो है ये इसका आंसर है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनरोबिक रिस्पायरेशन इज, अब एनरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड, क्या आएगा इसका आंसर, लैक्टिक एसिड। बीसीजी वैक्सीन जो यूज होती है, जो बीसीजी वैक्सीन करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो टीबी होती है जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के चांस उसमें होने के कम हो जाए, तो इसीलिए हम बीसीजी जो वैक्सीन है वो लगाते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज, अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अभी हमने बात की भी थी इसके बारे में, मेडियोला ओब्लिगांटा जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर इन मेन इज अबाउट, अब जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट इन इनहेल्ड वो कितनी होती है, 21%, 21% जो है इसका करेक्ट आंसर है। एयर सैक्स, एयर सैक्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स बट ऑल्सो फाउंड इन, अब जो एयर सैक्स है ये किसका करेक्टरिस्टिक है, ये बर्ड्स के अंदर ज़रा पाए जाते हैं, और ये किसका करेक्टरिस्टिक है, ये है कैमिलियन का, ठीक है ना, कैमिलियन जो है इसका भी जो है एयर सैक एक करेक्टरिस्टिक है। शेनिडेरियन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, अब जो शेनिडेरियन जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ होती है, वो होती है नेसल चैम्बर के अंदर, आपका जो नेसल चैम्बर है ना या मेरा नेसल चैम्बर जो है ना, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है, शेनिडेरियंस, ठीक है ना। टर्मिनल्स आर बोन्स, टर्मिनल्स बोन्स का नाम है, अब ये जो टर्मिनल बोन्स होती हैं ये होती कहाँ पे है, अब ये टर्मिनल्स बोन्स होती हैं भाई ये होती है नेसल चैम्बर के अंदर, ठीक है ना, नेसल चैम्बर की जो बोन्स होती हैं उनको हम टर्मिनल्स बोन्स कहते हैं। एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन इज, वो उस एयर को हम क्या कहते हैं, उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल एयर, रेजिडुअल एयर क्या होती है, एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है जी, यावनिंग इज ड्यू टू मोर, यावनिंग जो होती है ना जब बहुत सुस्ती आ जाती है ना तो तब हम यावनिंग करते हैं, यावनिंग जो प्रोसेस है तो ये किस तरह से होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है इन लंग्स उसकी वजह से यावनिंग होती है। तो इन इंस्पायर्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज, और हम इंस्पायर्ड एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.03%। डिसोसिएशन करो इज नॉर्मल एट, अब डिसोसिएशन जो करो है वो नॉर्मल कब होती है, वो होती है 40 mmHg CO2 टेंशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, हाइकअप, हाइकअप इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, अब जो हाइकअप है ये किसकी एक्टिविटी से होती है, ये होती है डायफ्राम, क्या होता है, डायफ्राम जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है, नीमोटॉक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट ऑन, अब जो नीमोटॉक्सिक सेंटर है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये होता है पॉन्स रीजन के ऊपर, कहाँ पे, पॉन्स रीजन जो है यहाँ पे नीमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। लंग्स आर कवर्ड बाई, अब जो लंग्स हैं कवर्ड बाई, ये किससे कवर होते हैं, जो लंग्स होते हैं ये कवर किससे होते हैं, ये जो कवर होते हैं ये होते हैं प्लूरल सैक, क्या है इसका आंसर, प्लूरल सैक से होते हैं, क्यों, क्योंकि जो विसरल प्लूरा होता है ये इनर लेयर होती है और पैरिटियल प्लूरा जो होता है ये आउटर लेयर होती है। मेथीहीमोग्लोबिन रेफर्स टू, अब मेथीहीमोग्लोबिन जो है ये किसको रेफर करता है, मेथीहीमोग्लोबिन जो है ये फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन है जो फाउंड होती है इन द ब्लड इन स्मॉल अमाउंट, अब क्या है इसको हम ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड जो है हीमोग्लोबिन इसको हम मेथीहीमोग्लोबिन को भी कहते हैं। हेल्डेन इफेक्ट इज ड्यू टू, अब जो हेल्डेन इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, अब जो हेल्डेन इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से होता है, क्योंकि जो हेल्डेन इफेक्ट होता है ये रेफर टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द हीमोग्लोबिन, ओके।
द क्लोराइड शिफ्ट मूवमेंट ऑफ क्लोरीन क्या है? अब जो क्लोराइड शिफ्ट मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम आरबीसी टू फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत से एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट थे वो लेके आए, और स्टार्टिंग में हमने कुछ डिस्कस किया जो ऐसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन से बड़े इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी फिश के अंदर होता है, ये आप पढ़िएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा बड़ा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये लेक्चर जो है ये देखना पड़ेगा। अगर एक बार समझ में आए दूसरी बार आप देखो तो इंशाल्लाह जो है वो आपको जो लेक्चर है ये समझ में आ जाएगा, जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी एग्ज़ाम में इससे अलावा इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तो जो भी टॉपिक्स रह गए हैं वो भी मैं आगे लेके आता रहूँगा। आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।